जब आप सो के उठे। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल टू एक्नी प्रोन या नॉर्मल टू ऑयली स्किन या फिर ऑयली स्किन और एक्नी एक्टिव एक्नी वाली या एक्नी प्रोन स्किन। ठीक है, तो हम नॉर्मल टू ऑयली स्किन के बारे में आज बात कर रहे हैं कि नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए कौन से चीजें जरूरी हैं और होनी चाहिए। बिल्कुल माइल्ड रखेंगे, बिल्कुल इनिशियल रखेंगे, बहुत ढेर सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं वो जरूर होंगी, उनको हमने जरूर कवर करना है क्योंकि इसका तो मकसद ही ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज गोइंग टू बी क्लेंजिंग। यस, क्लेंजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मॉर्निंग टाइम। जब आप सुबह सो के उठे आफ्टर वेकिंग अप, तो आपकी क्लेंजिंग स्किन की बहुत जरूरी है। कोई भी स्किन टाइप हो, मैच्योर स्किन है, ओल्ड स्किन है, किसी के लिए भी बहुत जरूरी है। और आप इस स्किन के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्लेंजिंग, उसके बाद फेस वॉश, उसके बाद मॉइस्चराइजर और उसके बाद आता है सनब्लॉक। ठीक है, तो ये चार चीजें जो हैं, ये चार स्टेप्स या फोर स्टेप्स हमने जरूर फॉलो करने हैं। मैं आपको कुछ फेस वॉशेस दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत अच्छा फेस वॉश है नॉर्मल स्किन या फिर नॉर्मल टू ऑयली स्किन और या फिर जो है वो एक्नी प्रोन या एक्टिव एक्नी स्किन जो है उसके लिए है। और ये जो है, सॉरी, मैंने आपको पहले क्लिंजिंग क्लिंजर्स दिखाने हैं। ये देखें, ये वाला क्लिंजर चेक करें, ये क्लिंजिंग क्ले है। क्लिंजिंग कैसे करते हैं उसका तरीका भी नोट कर लें। फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लिंजिंग है। क्लिंजिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने फेस को जो है वो डैम्प कर लेना है या गीला कर लेना है। गीला करने के बाद आपने अपनी क्लिंजिंग यहां पे ली, उसके आप डॉट्स बना दें और डॉट्स बनाने के बाद आपने जैसे स्क्रब करते हैं उसी मोशन में, ठीक है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में आपने 10 सेकेंड्स के लिए इसके ऊपर क्लिंजिंग करनी है। फेस के ऊपर क्लिंजिंग करें फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स बहुत होते हैं, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्लिंजिंग करने का तरीका। एक क्लिंजिंग मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसे क्लिंजिंग पेस्ट या क्लिंजिंग क्ले। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो है ये क्लिंजिंग जेल है, ये भी बहुत अच्छी है। उसके बाद मैं आपको एक और क्लिंजिंग दिखा रही हूँ, ये भी क्लिंजिंग जेल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो क्लिंजिंग है वो दिखा।